भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य पर श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में दिनांक 4 जुलाई 2023 से पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा चलाई गई, जो प्रतिदिन देश के विभिन्न स्थानों पर भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को पहुंचा रही है। दिनांक 31 अगस्त 2023 को प्रातः 6 बजे पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में पहुंची, तो भक्तों द्वारा बेहद ही उत्साह पूर्वक रथ का दर्शन वंदन किया गया। सर्वप्रथम मंत्रों की ध्वनि के साथ संगीतमय वातावरण में क्रमानुसार प्रभु का अभिषेक पूर्ण भक्ति भाव से किया गया। ओम रीम श्रीम क्लीम एम आरंभम हम सम तम पम बम मम 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 हम सम सम तम तम बम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिन मविसेचयामिति स्वाहा। इस दौरान मंत्रों की ध्वनि से मानो समस्त वातावरण खिल उठा। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ प्रभु की शांति धारा पुण्यशाली भक्तों द्वारा की गई। ओम नमः। भैया उसका श्रीफल निकालो, नहीं हो रहा तो ऊपर श्रीफल निकालो। हाँ आप करो आराम से। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्षदीतंकराय द्वादश गण परवेशाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमण धनेन्द्र फरामंडन मंडिताय ऋषि आरिका श्राविक साविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म नाशनाय अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वासुमारीम सर्वगोमारीम महेशमारीम सर्वधनमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविस्मारीम सर्वेतालसाग्निभयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मट्टन पत्तन द्रोमोक संबंधनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुख हन हन दय दय पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यश सुखम तुश्लोक सुव्याधि व्यसन वर्तम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्थिरस्ति उदेते। यहाँ पर रथ पर शांति धारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले विश्व में शांति हो, सर्व साधुओं को शांति हो। यश सुखम तुश्लोक सुव्याधि व्यसन वर्तम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्थिरस्ति उदेते। शिवमस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु चंद्रपुर बांसु मल्ली बदमन पुष्प शीतल मुनिसवित नैमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यप्युर्मा इत्यन मंत्र नवज्ञाता सांता गंधोत्कम धारा वर्षनम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परकर छुद्रपद्र विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रम रा असी औषा अरम नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु बसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोदनानां देशस्य राशस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। इस सौभाग्य को प्राप्त कर भक्तों में उमंग छा गई। अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात भक्तजनों द्वारा 24 तीर्थंकर भगवानों को
पूर्ण विधि विधान के साथ अर्घ अर्पित किया गया। तुगलकाबाद में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की निर्गंध अक्षता ने पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री पलादी अर्घ से जजीजिए। पार्श्वनाथ देवी से भी आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम रीम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ चरण बिंदु में जलादि अर्घम निर्पामति स्वाहा। तत्पश्चात महाआरती करने का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ, जिसमें उपस्थित भक्तों ने कर्मानुसार प्रभु की आरती पूर्ण भक्ति भाव से उतार कर असीम पुण्य का संचय किया। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। यही विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। पहली आरती त्रिमुनिंदा जब ददी पारे उतारे जे आजा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय मा। इस दौरान भक्तों द्वारा अपने भाव भी प्रस्तुत किए गए। ने की जय आचार्य श्री प्रज्ञसागर महाराज की। आज बहुत ही उत्साह का दिन है, जो कि आज तुगलकाबाद में महावीर भगवान के 2550 निर्माण महोत्सव का ये रथ हमारे यहाँ आया है। तो इसमें हमारे यहाँ सभी पुजारीगण सभी महानुभाव ने बहुत ही लाभ लिया अभिषेक शांति धारा का, और हमारी शादवाद महिला मंडल ने बहुत लाभ लिया आरती का, और हम सभी को बहुत आनंद आया। आज हम सभी बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लगा। ये सभी हमारे आचार्य श्री प्रज्ञसागर महाराज जी के द्वारा यह आनंद हम सभी को प्राप्त हुआ, और महावीर भगवान का 2550 निर्वाण महोत्सव हम बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। महावीर भगवान 2550 निर्माण महोत्सव एफ रथ प्रबंधन समिति श्री ऋषभदेव रिलीजियस एंड चैरिटेबल सोसाइटी आज रथ लेकर तुगलकाबाद जैन मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर में आए। यहाँ पर सभी पुजारियों ने अभिषेक कर शांति धारा कर महाआरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मैं यहाँ तुगलकाबाद जैन समाज की हार्दिक दिल से अभिनंदन अभिवादन करता हूँ, और इन्होंने रथ का महावीर स्वामी रथ का जोरदार स्वागत किया। मैं प्रवीण जैन अध्यक्ष, अभय जैन महामंत्री, सुभाष जी मंत्री, डीके जैन महामंत्री। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, दिनांक 31 अगस्त को दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर जी में जब पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा पहुंची, तो इस सौभाग्य को प्राप्त कर भक्त अति उत्साहित नजर आए। बड़ी संख्या में भक्त इस अवसर पर सम्मिलित हुए। दर्शकों, दिनांक 1 सितंबर 2023 यानी आज पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा दिल्ली के ग्रीन पार्क पहुंची, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर रथ का दर्शन वंदन किया। इसी क्रम में दिनांक 2 सितंबर 2023 को पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा का दिल्ली के आर के पुरम स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः 6 बजे आगमन होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जय जिनेन्द्र।